स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का स्टेट वाइज, जी हाँ स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या चल रहा है, कि भाई किस शिफ्ट में क्या हार्ड था, किस शिफ्ट में क्या इजी चल रहा है, कितने नंबर का नॉमिनेशन आपको आगे देखने को मिल सकता है, पूरी चीजों बात करेंगे, सेफ इसको जानेंगे। साथ में बात करेंगे आंसर की के बारे में, एमटीएस की आंसर की कब तक रिलीज कर दी जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेट वाइज बात होने वाली है, चाहे आपका कोई सा भी स्टेट क्यों ना हो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 12,523 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी नजर आ रही है। एमटीएस में 12,000 समथिंग वैकेंसीज है। अब यहाँ पे बात ये आती है एग्जाम पैटर्न की, ये जो है इसको ध्यान समझना, और काफी समझ चुके हैं काफी बच्चे। अगर बात करो, अगर 100 बच्चे भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें से मान चले कि 99 बच्चे जो है मैथ और रीजनिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इतना सिंपल रखा गया है, क्योंकि यूआर में आपको 12 क्वेश्चन सही करना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चन में से 12 सही करना है, चाहे बच्चा मैथ्स का करे, चाहे बच्चा रीजनिंग करे, चाहे दोनों मिला के करे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ये क्वालिफाइंग नेचर रखा और टाइम भी बहुत ज्यादा दिया गया है। अगर यहाँ पे बात आती इस चीज की, जो एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश की अगर बात करो, जो हमने पोल क्रिएट किया था, जो हमने चीजें भरवाई है, हालांकि अभी आंसर की नहीं आई, लेकिन आंसर की से पहले इतने जो चीजें आ रही है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है बच्चों का कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है और बच्चे पढ़ाई में बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जीए की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर के पूछे जाए, बच्चों के 15 से लेकर 14 मार्क्स तक, यहाँ 15 से लेकर 14 क्वेश्चन बच्चों के सही हो रहे हैं। जी हाँ, 15 से लेकर 14 क्वेश्चन, आप इसको खुद 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हालांकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हाई है, अगर मिस कोई भी क्वेश्चन गलत होता है नेगेटिव मार्किंग से आपके नंबर घटेंगे काफी ज्यादा। ठीक है, इंग्लिश की कट ऑफ की बात करें, इंग्लिश में देखो आप 25 में 75 बच्चों के 18 से लेकर 20 नंबर तो यहाँ क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं यहाँ पे अभी कहना है, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करो 150 में से कम 100 नंबर तो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आउट ऑफ 150 में से। ठीक है, मतलब 150 में से आपके 100 नंबर अगर आपके देखने को मिल रहे हैं तो काफी अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट वाइज, अगर आपकी स्टेट वाइज कहीं वैकेंसी ज्यादा है, कहीं वैकेंसी कम है, आपकी स्टेट वाइज में कट ऑफ कम जाता है, कट ऑफ हाई जाता है, वो पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा देखो जरा, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, एवरेज स्टूडेंट के 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। जरा पोल को भी घुमा के देख लेते हैं, एसएससी एमटीएस में आपके कितने मार्क्स आए, 11 आवर्स एगो वोट किया गया था ये जनरली 150 में से, तो यहाँ पे 5.8 के वोट, यहाँ पे 29% का कहना है कि 80-90 के बीच आ रहा है। लेकिन मैं अगर कहूँ ना 80-90 के बीच वही स्टेट सेव रह सकते हैं जो यहाँ तो बहुत छोटे हैं। आई थिंक अगर बात करूं मैं जैसे वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, इनकी अगर बात करूं तो जैसे आंध्र प्रदेश, इनकी बात करूं तो ये कट ऑफ इनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर 100 से लेकर 110 के बीच देखते 23% का कहना है कि वो समझ गया कि इनके मार्क्स इतने करीबन आ सकते हैं, उनके आ जाए, क्यों तभी आपका सेफ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर राजस्थान से देखें, राजस्थान के हाई स्टेट वाला राज्य है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा पेपर बहुत शानदार गया है यहाँ से राजस्थान में, 100 से लेकर 120 के भी देख सकते हैं यहाँ पे 41% का कहना है, 100 से लेकर 120 के बीच 41% का कहना है कि भाई उसके बाद इसके विचार में किसी के 110, 105, 108, 110, 115 के बीच भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2.9 के भी राइसन से भी वोट यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगा, बात यहाँ पे सर आती प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर आप देखें, बिहार में 93, यूपी 81, राजस्थान, ये हाई राज्य वाले कट ऑफ है, बिहार, यूपी, दिल्ली, एमपी, ये हाई राज्य वाले कट ऑफ है, असम, वेस्ट बंगाल देख सकते हो यहाँ पे इनका पिछले साल कट ऑफ किया गया था। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं, हाई स्टडी कट ऑफ अगर बांटू मैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, इन स्टेट का कट ऑफ हाई जाएगा, इन स्टेट में यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं आगे बता रहा हूं, आगे ध्यान सुनिए। कट ऑफ जो है अगर आप इन स्टेट से रहते हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, और भी अगर आप हाई स्टेट से रहते हैं जिनको आपको लगता है हाई स्टेट रहेगा, तो उनकी कट ऑफ यूआर का 110 प्लस रहने की पूरी पूरी उम्मीद रह सकती है। जी हाँ, 110 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो कहने की आपका सेफ सिलेक्शन, आपके फाइनल के लिए नाम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओबीसी 98 करीबन रह सकता है, ईडब्ल्यू 102 के, एससी 88-92, एसटी आपका 85 के अंदर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस हाई स्टडी कट ऑफ है। अगर मैं यहाँ पे मिड जोन कट ऑफ की बात करूँ, मिड जोन के कट ऑफ में अगर बात करूँ, यहाँ पे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अगर आप असम, वेस्ट बंगाल, केरला से भी है, झारखंड से भी है, इसमें अगर यूआर में अगर ये मान के चलिए कि आप 85 से लेकर 90 मार्क्स भी अगर लाते हैं, जी हाँ यूआर कैटेगरी 85 नंबर मार्क्स भी लाते हैं, तब भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 85 से 90
नंबर लाइए, आपका सिलेक्शन हो सकता है असम, वेस्ट बंगाल, केरला में, ठीक है। और बाकी अगर बात करो जैसे यहाँ पे त्रिपुरा, दादर, इनकी बात करो, इनमें अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 60 के अरिबन भी होंगे यूआर कैटेगरी में, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे इस राज्य में हो जाएगा। तो ये कट ऑफ है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को हो सकता है कि इस कारण कट ऑफ देखने को मिले। अब बात करते हैं एमटीएस के आंसर की कब तक जारी कर दिया, तो एमटीएस के आंसर की जो है आपका 20 तारीख तक आपका एग्जाम चलने वाला है, तो 20 तारीख के बाद जो है आपकी आंसर की है, हालांकि 3 से 4 दिन में आपकी जो आंसर की वो रिलीज कर दी जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि आपका 23 से 25 तारीख के बीच आपकी जो आंसर की है वो आप